माय चैनल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, यानी आपके जो पर्सन है वह अपने फ्रेंड्स से या अपने जो भी उनके क्लोज और डियर वंस हैं उनसे आपके बारे में आपके जो पर्सन है वो क्या कहते हैं। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट हो आप मुझे बताना ना भूलें। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से जब भी मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये वीडियो आपसे मैच कर सकता है और हर सिचुएशन के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ये हर सिचुएशन पर रेजोनेट कर सकती है। तो आपके जो पर्सन है वह अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं हम ये चेक करेंगे। ओके, ओके, मैजिशियन, इम्प्रेसिव, वेरी गुड, फर्स्ट कार्ड इज ऑफ मैजिशियन। वेट अ मिनट गाइस, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं वह अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पर सन का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, ओ वाओ, देखिए आप सारे कार्ड कैसे आ रहे हैं आपके लिए, देख रहे हैं आप द मैजिशियन, द सन एंड द स्टार, तीनों कार्ड्स इतने पावरफुल और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। लेट्स सी, क्लेरिफाई कर देते हैं इन कार्ड्स को, अब तो सारी बात क्लियर ही है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसा समझते हैं और कैसा आपके बारे में दूसरों से बोल रहे हैं। ओके, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार को हम क्लैरिफाई करेंगे, एट ऑफ कप्स, सो ये हैं हमारे पास कार्ड्स। यहां पर हम देखकर आपको बताते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। पहली बात तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक बहुत ही मैजिकल टाइप के पर्सन हैं, ऐसा उन्हें लगता है। यू नो, ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको अपनी लाइफ में कैसे भी पाना चाहते हैं, आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आप अगर अपने पर्सन को मिल गए या आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, उनकी एक विश, उनकी जो एक डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन के लिए व्यूअर्स आप लोग एक विश फुलफिलमेंट हैं, यानी कि वो जो जिसके सपने देखते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, वो आप हैं उनके लिए। ओके, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो आपको किस हद तक पाना चाहते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, और यू नो हर तरीका यूज़ कर सकते हैं वो आपको पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी है, लेकिन साथ में गाइज उनको डर भी ऐसा लगता रहता है कि उन्होंने अपना बहुत दिल लगा रखा है आपसे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स बहुत इन्वेस्ट कर रखी हैं आप में, वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो चुके हैं आपसे। अगर अब कुछ नहीं हो पाया, अब इस चीज़ में कुछ ग्रोथ नहीं हुई, तो आपके पर्सन बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बहुत निराश हो जाएंगे, इस बात को सोच के वो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। क्या इन्वेस्ट कर दिया है? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना दिल, ये आप में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो, और वो आपको पाना चाहते हैं और आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की या कोई स्पेल यूज़ कर रहे हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इवन ही मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं और इसीलिए आप उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपको उनकी लाइफ में भेजने के लिए, बुलाने के लिए। यू नो, यहाँ पर कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, वैंस भी हैं, सोर्ड्स भी हैं, ठीक है, यहाँ सब कुछ है, इन्फिनिटी का साइन भी है यहाँ पर, विच शोज़ की हर तरीका यूज़ किया जा रहा है टू अट्रैक्ट यू इन देयर लाइफ, मतलब आपको उनकी लाइफ में होना ही है, इट इज़ डेस्टाइंड। ओके,
यहाँ पर सन का कार्ड है और जो क्लैरिफाई हुआ है सिक्स ऑफ कप्स से, तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ एक हैपनिंग लाइफ देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक स्मॉल क्यूट हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। और ऐसा ही वो अपने दोस्तों को बताते भी हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्यूचर को जब भी इमेजिन करते हैं, वो अपने फ्यूचर को जब भी प्लान करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बताते हैं, तो उसमें आपका जिक्र ज़रूर करते हैं, बताते हैं कि उसमें आप होंगे, उनकी वाइफ होंगी या हस्बैंड होंगे और आपके बच्चे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बच्चों बच्चों तक का उन्होंने प्लान कर रखा है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से ये सब बोलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को बताया है कि आपके साथ उन्हें कोई एक कनेक्ट फील होता है, उन आपके साथ आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल कनेक्ट फील होता है। जैसे हम कभी इतना ज़्यादा प्यार पर भरोसा नहीं करते, इतना ज़्यादा प्यार के लिए दीवाने नहीं होते हैं, लेकिन अचानक हमें कोई पर्सन इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते जाते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं एक, और हमें समझ नहीं आता कि हमें हुआ क्या है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि जो पर्सन है आपके, वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपसे एक पुराना रिश्ता लगता है आपसे। एक कोई पुराना, ऐसा नहीं कहूँगी पिछले जन्म का, बट ऑफकोर्स पिछले जन्म का कोई जन्म होंगे, कोई कोई ऐसी साइकिल्स होंगी पुरानी पास्ट, जहाँ से आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि इस पर्सन को मैं जानता हूँ, मैं पहले मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, ये मेरी लाइफ में पहले भी आ चुका है, इसीलिए मैं इससे इतना जुड़ा हुआ फील करता हूँ। गाइज, मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। द सॉन्ग इज तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ओके, आई नो आई एम अ बैड सिंगर, इवन अ वर्स्ट सिंगर, बट सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू गाइज हैव बिकॉज ऑफ मी। बट यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा ही बताते हैं, ऐसी बातें शेयर करते हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स कहते हों यार तुम ज़्यादा सोच रहे हो या फिर ज़्यादा सोच रही हो, इतना भी कुछ नहीं है, अच्छा इतना प्लान कर लिया है तो ये वो। मतलब आपके पर्सन काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हैं, वो काफ़ी एक्सप्रेसिव मालूम होते हैं, ऐसा लग रहा है। इवन गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते भी नहीं थकते हैं। इवन उनके फ्रेंड्स भी इरिटेट हो जाते होंगे कि बस करो यार, कितनी तारीफ़ करोगे, हाँ हाँ समझ गए हम कि कैसे हैं आपके पर्सन। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, इससे पता लगता है कि वो ऐसा बताते हैं आपके बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही वाइब्रेंट है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सब आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है सब आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं इजीली, और जो भी आपके दोस्त बनते हैं एट द एंड वो आपको आके ऑफर ही कर देते हैं लव। ओके, आपको रिलेशनशिप ऑफर कर देते हैं, आपको बहुत रिश्ते भी आते होंगे। आप फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपके बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, नहीं तो काफ़ी दोस्त आपके जानने वाले होंगे, आपका जो सर्कल होगा उसमें आप फेमस होंगे। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड पर्सन लग रहे हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, जब हम किसी को कहते हैं कि यू आर अ सेलिब्रिटी, विच मीन्स यू आर अ सेलिब्रेटेड बीइंग, यानी कि आपको सेलिब्रेट किया जाता है, आप एक ऐसे पर्सन हैं, तो वो आपको एज अ सेलिब्रेटेड बीइंग समझते हैं और ऐसा ही अपने फ्रेंड्स को कन्वे करते हैं आपके बारे में। यहाँ पर गाइज ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का डर मुझे साफ साफ दिख रहा है। उन्हें गाइज ऐसा लगता है कि जब आप इतने सेलिब्रेटेड बीइंग हैं, आप इतने फेमस हैं और आप इतने ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि आप उन्हें अटेंशन नहीं देंगे, आपके पर्सन सोचते हैं कि आप उन्हें अटेंशन नहीं देंगे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जितना भी मैं फील करता हूँ या जितना भी मैं फील करती हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ, वो सब कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं कम हूँ इनसे, ये तो मुझसे बहुत ऊपर हैं, इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ये तो जिसको चुन लेंगे वो इनकी लाइफ में आ जाएगा, और इनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबल लोग आ सकते हैं, फाइनेंशियली रिच लोग आ सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम लोग आ सकते हैं, पता नहीं मैं इन्हें क्या दे पाऊँगा क्या नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसा ना हो कि मेरे पास जितना भी प्यार है, मैं जितना भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको डिसअपॉइंट कर दूँ, ये चले जाए निराश होकर। तो आपके पर्सन ये ज़रूर शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगर यार जितना प्यार मैं करता हूँ या करती हूँ, जितना मैं इनको प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें वो कम लगे और ये चले जाएं। तो आपके पर्सन ये डरते रहते हैं इस बारे में सोच के। हो
हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपका नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा भी है तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं व्यूअर्स, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ओके। उन्हें आपका जाना या आपसे सेपरेट होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपके साथ जो समय बिताया है उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं और अपना दिमाग हटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, इस बात में कोई डाउट नहीं है, येस वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी लग रहे हैं मुझे काफ़ी लोग, ओके व्यूवर्स। तो ये थी रीडिंग की, जो आपके पर्सन है वे अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं, ओके। देखिए रीडिंग आपसे एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट रेजोनेट हो सकती है, तो आप अगर कुछ परसेंट रेजोनेट होती है तो भी बताइए, और एक्यूरेटली 100% मैच होती है तो ज़रूर बताइए। मैं तो आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश हो जाती हूँ, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और व्यूअर्स आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप लाइक करके जाना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करके जाना भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कभी कभी मैं इंट्यूटिव मैसेजेस भी देती हूँ और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग्स आती हैं जिसमें आपके लिए कौन सा चैनल सॉन्ग हो, कौन सा चैनल मैसेज हो, मुझे खुद नहीं पता, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और आप कोई भी मैसेज मिस नहीं कर पाएंगे, ओके। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक कि कैसा लगा आपको, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिन्हें काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी है अब क्या कर सकते हैं, सबको तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये थी रीडिंग, मैं किसी और दिन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।